घटना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन हम सब लोगों को लोगों के बीच में कॉन्शसनेस लाने के लिए, लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का उत्थान करना और इन सब चीजों के अलावे अवेयरनेस, जागृति लाना, यह एक एक काम करना पड़ेगा, तभी हम भविष्य में ऐसी चीजों को से मुक्ति पा सकते हैं। हम तो नहीं कह सकते हैं ये कुदरत का कौन सा खेल क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जरा बताइए, आजकल पानी कम पड़ रहा, अब वज्रपात हो रहा, खूब वज्रपात हो रहा। कभी कभी गौर से देख लीजिए, एक डॉक्टर तो वहां पर थे, उसने तो हमको एक विचित्र बात, हमने कहा है इसी इलाके में होता, तो वो तरह तरह की बात कर रहा था, तो हमने कहा कि भाई जरा इसको देख लीजिए। कह रहा कि 34 में जो अर्थक्वेक हुआ था उसके चलते यहां का इलाका जो अफेक्टेड हुआ उसके कारण कुछ हो रहा। खैर इसके बारे में तो कोई नहीं जानता कि यही बात है, लेकिन एक्सपर्ट्स की टीम तुरंत हम कंक्लूड कर दें, इसके बाद आप बोलिए ना, हम फिर बोलेंगे, आप कहिएगा फिर बोलेंगे, खाली सुन लीजिए। हम ये कहना, देखिए ये सरकार की चीज नहीं है, ये अवेयरनेस की चीज है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन कोई भी कोई दावा करेगा कुदरत के बारे में, जिस तरह से पर्यावरण में बिगाड़ आ रहा है, अब साहब हमने नल का जल पहुंचा दिया, अवेयरनेस लाना है। अब भाई नल का जल पहुंचा रहे हैं पीने के लिए, स्वच्छ पानी ना, अब उसी पानी से भैंस धो रहा है, उसी पानी से बगल में अगर उसका कुछ है तो उसका पटवन कर रहा है। ये करोगे भाई तो ग्राउंड वाटर का लेवल कहां जाएगा। और एक बात जान लीजिए, अब ये पूरी दुनिया में क्राइसिस होने वाला, बिहार में भी क्राइसिस आ रहा, अब उन इलाकों का नीचे का जल स्तर गया है, भूजल स्तर का, अब आप सोच सकते हैं दरभंगा में, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ऐसी स्थिति है कुदरत का, हम तो एक बार आग्रह करेंगे इस विषय पर जो कहिए, लेकिन एक बार बैठिए सारे लोग हाउस के बाहर, सबको बैठाएंगे, पूरे दिन अपना अपना अनुभव बताइए, और जो स्थिति पर्यावरण की बिगड़ती चली जा रही है लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा। आप बिजली पहुंचा रहे हैं तो बिजली की जो चीज जरूरी है उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, अब तत्काल आप उसका और उपयोग करिएगा, तो धीरे धीरे तो भाई पर्यावरण पर तो असर आएगा। वायु प्रदूषण का क्या हाल है, जिसके पास पैसा आ जाता है तुरंत खूब गाड़ी खरीदने लगता है, तो वायु प्रदूषण, तो कई तरह की समस्याएं। देखिए हम लोगों को अवेयरनेस लाना पड़ेगा, अगर अवेयरनेस नहीं लाएंगे तो अलग अलग समय में अलग अलग इलाकों में अलग अलग ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आप उसके लिए सब लोग चिंता में पड़ेंगे। तो हम सब लोगों को संयुक्त रूप से चिंतित होकर अवेयरनेस लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और क्या क्या करना चाहिए, आज जो जहां की घटना घटी है उसको देखते हुए उन इलाकों में और बचे खुचे हुए बिहार के हरेक गांव में इन सब योजनाओं का लाभ पहुंचा देने का हमारा संकल्प है, निश्चय है, और आप सब लोगों का सहयोग चाहेंगे। और इसके मामले में जो कुछ भी हुआ है, हम लोगों ने ऐसे परिवार के परिजन के लोगों को जो लाभ देने की बात हम लोग सोच सकते हैं, उन सब दिशा में हम लोगों ने निर्णय लिया है। और आज तो चूंकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक डिटेल इन्होंने रखा है, आप स्वास्थ्य मंत्री की बात नहीं सुने, लेकिन ये तो डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड का पार्ट होगा। हम हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना करेंगे, यहां भले ही नहीं सुने लेकिन कल जो आपका जाएगा उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद ये लगेगा कि क्या इसमें और कुछ करना चाहिए, उसके बारे में भी सुझाव दे सकते हैं। तो हमको इतना ही है, और हम पूरे तौर पर, और अध्यक्ष महोदय को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि ऐसे विषय पर जिसको लेकर हर आदमी चिंतित है उस पर बाकी कार्य को स्थगित करके आपने इस पर परिचर्चा कराई, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।